अच्छा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था पेपर का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का? मेरे क्या, अगर मैं ठीक तरीके से इनको ऑर्डर में लगाऊँ तो केमिस्ट्री सबसे आसान थी, उसके बाद फिजिक्स एंड मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में जो जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है जैसे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, वो सबसे क्वेश्चन आए थे? हाँ, प्रोबेबिलिटी से दो क्वेश्चन थे और स्टैटिक्स से भी थे। और ऐसे ही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब का बेटिंग मतलब इस बार ज़्यादा थी? ऑर्गेनिक ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल ज़्यादा थी, इनऑर्गेनिक उतनी देखने को नहीं थी। अच्छा, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो पहला वाला, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये थोड़ा ज़्यादा टफ था या उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री ईजी थी, मैथ आई थिंक उसी लेवल की थी या फिर उससे टफ थी। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिंह बिस्ट। अच्छा, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो अच्छा ही गया, मतलब जितना सोचा था अच्छा गया है, पढ़ के तो आया थे, फर्स्ट टाइम था मेरा। अच्छा, और डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे बता सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का? मैथ्स का सबसे हाई था, सबसे बताऊँगा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, पूरा टाइम ले गया वो, पूरे 100 मिनट ले गया। अच्छा, और मतलब ऐसे जैसे मैथ्स का जो जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह, वो सबसे क्वेश्चन आए थे, आपको याद है कुछ? उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, एक दो क्वेश्चन आए थे, थोड़े बहुत इंटीग्रल से आए थे और घुमा के क्वेश्चन दिए हुए थे, मतलब कंसेप्ट समझ नहीं आया क्या लग रहा है। अच्छा, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब का वेटेज सेम था या फिर उनकी आई नहीं थी? इनऑर्गेनिक आई सारी, कहते कि इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन है। हाँ, वो एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, आई थी और इनऑर्गेनिक भी। अच्छा, ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, फिर भी ठीक गया, कोई बात नहीं, निकाल तो नहीं पाऊंगा 99% पर, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम।